Hello everyone, myself Chandrasekhar, and today I am going to discuss about the electromagnetic induction and Lenz's law, Faraday law, and also I am going to cover the numericals also. So first of all, let us understand this concept with the help of animations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा फ्लक्स क्या होता है. तो देखिए, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक एरिया प्लेन है, प्लेनर बॉडी है, एरिया है. इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करते हैं वही मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन सरफेस फॉर्म्स नॉर्मली पास होना चाहिए. मतलब देखो, ये एरिया है, इसके नॉर्मली जो पास होता है तो वो फ्लक्स बनाता है. ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट, जैसे आप देख रहे हो ये प्लेन है, इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है वही क्या बनाती है, फ्लक्स बनाती है. फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जाता है बी इंटू ए. तो आप यहां देख रहे हो, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के नॉर्मल लेनी पड़ती है. जैसे ये एरिया प्लेन है, इसको हमेशा नॉर्मल लेनी पड़ती है, एरिया वेक्टर को प्लेन के नॉर्मल लेनी पड़ती है. अगर हम इस तरह से रखें प्लेनर बॉडी को, तो यहां पर एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, तो यहां पर फ्लक्स जीरो होगा. फ्लक्स जीरो क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर एक भी फील्ड लाइंस इस एरिया से पास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो. अगर मैं एरिया के प्लेन को इस तरह से रोटेट कर दूंगा, तो हमें हमेशा फ्लक्स बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के डायरेक्शन में लेना है, और एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. जैसे ये प्लेन इसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये हम इसको इधर रिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा. तो यहां जो फ्लक्स बनेगा वो फाई जो बनेगा बी ए कॉस थीटा बनेगा. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फैराडे के लॉ के बारे में. तो देखिए, ये एक कॉइल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एमीटर से, जो करंट की रीडिंग को मेजर करके बताएगा. यहां पर आप देख रहे हो कि किस तरह से कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक कॉइल को कनेक्ट किया गया है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट इसके पास लाएंगे. तो इसके चारों तरफ आप जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. ये फील्ड लाइंस दिख रही है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ में जाती है. अगर ये फील्ड लाइन इसके सामने लाएंगे तो इससे फील्ड लाइन पास होगी किसी एरिया से, तो ये फ्लक्स बनाएगा. ये फ्लक्स का चेंज होने से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही बताया गया है कि फ्लक्स के चेंज होने से इसमें करेंट इंड्यूस होगा. ये करेंट जो इंड्यूस होगा वो फैराडे ने बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक लॉ दिया था, और इसी लॉ के अनुसार इसमें बताया गया है कि जैसे आप देख सकते हो, नॉर्थ साउथ को लाएंगे, जब साउथ को इसके तरफ ला रहे हैं कॉइल के पास, तो यहां पर साउथ पोलरिटी बनता है, और साउथ नॉर्थ को लाते हैं तो नॉर्थ पोलरिटी बनता है. साउथ अगर दूर जाएगा तो नॉर्थ बनेगा. ये सारी चीजें मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं. तो ये रिलेटिव मोशन, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, देयर इज अ इंडक्शन ऑफ करेंट. आप देख रहे हो, जब ये सामने आ रहा है तो इधर जा रहा है, जब ये दूर जा रहा है तो ये इस साइड जा रहा है. तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की छोटी सी एनिमेशन के थ्रू थ्योरी बताई गई. अब आता है लेंज लॉ. लेंज ने यही बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है. जिसके कारण इंड्यूस होता है वो अपने कॉज को क्या करता है, अपोज करता है. जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बताया गया. इसके पीछे भी जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है. जैसे यहां पर आप एसी सोर्स से कनेक्ट किए हो, यहां से एसी करंट जाएगा, एसी करंट जाएगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का किसी एरिया से पास होना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है. तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन रहा था, बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से टाइम के साथ ही क्या बनता है, क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. जैसे ही हमने इसको फ्लो करवाएंगे करंट को, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होगी, और करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा. इसमें कोई बैटरी का सोर्स नहीं है. फायदा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, पहले हम जो चीजें का यूज कर रहे थे, पहले बैटरी का यूज करते थे, तो बैटरी तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करिए, जिसका यूज आप देखने को आपको मिलता है एसी जनरेटर में. ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर मान लीजिए तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और एक एरिया प्लेन है, ठीक है, ये एक एरिया है, लेंथ ब्रेथ इसका कुछ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स
यहां पर फ्लक्स जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 3 बनने वाला है। अगर मैं उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन इस केस में फ्लक्स कितना बनने वाला है, इस केस में फ्लक्स बनने वाला है 2, क्योंकि सिर्फ 2 ही पास हो पाएगा इससे। तो ऐसा देखा गया है कि फ्लक्स जो होता है, ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होगी। और कंपेयर टू, जैसे देखा जाए, अगर एक एरिया ऐसा है, मान लीजिए एक एरिया है इस तरह से और एक एरिया है इस तरह से, तो एरिया जिसकी ज्यादा होगी उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, ज्यादा पास करेगी। तो ऐसा देखा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स बनाएगी। कहने का मतलब, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड आप मान लीजिए इस तरह से है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और आपके पास एक कंडक्टिंग कॉइल है, इस तरह से कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो ऐसा देखा गया है फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप इसके एरिया को किसी तरह से बढ़ा दो कंडक्टिंग कॉइल की, तो एरिया के बढ़ाने से भी फ्लक्स बढ़ता है। और अगर आप इसको किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करा दो, तो रोटेशन से भी फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर का इंक्लिनेशन, एरिया वेक्टर का एंगल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अगर इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो होता है वेबर, और 1 वेबर जो होता है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर जो होता है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, EMI। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक कॉइल है और इसमें हमने एक कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर से, जो डायरेक्शन बताता है करेंट, इसके सामने अगर हम एक मैग्नेट लाएंगे, ये एक बार मैग्नेट है, तो आप जानते हो बार मैग्नेट के आसपास क्या होता है, बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलेगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड का इसके साथ कोई भी लिंकेज नहीं है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज इसके साथ चेंज होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा, या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अभी फ्लक्स कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ कोई भी लिंकेज नहीं हुआ है, जैसे ही इसको सामने लाएंगे, मतलब आप कहने का मतलब, आप इसको सामने लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे लिंक करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिंकेज से ही इसमें फ्लक्स का बनना होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से ही करंट का इंडक्शन होता है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एक ईएमएफ का इंडक्शन होता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज को कॉइल के साथ चेंज करते हो। So whenever there is a relative motion between coil and the magnet, there is an induction of current or you can say EMF. ये Faraday का first law है। ये conservation of energy के पे based है। Relative motion होना चाहिए। अगर आप ला करके इसको यहीं पर रोक दोगे, कहने का मतलब अगर आप magnet को यहाँ पर ला करके रोक दोगे, तो इसमें current induce नहीं होगा। तो important बात क्या है? Relative motion होनी चाहिए। अगर relative motion नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये था। फैराडे का सेकंड लॉ ये बताया गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है, एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कितना चेंज हो रहा फ्लक्स का टाइम के साथ। अगर आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना चाहो, यहां पर ई कहलाता है ईएमएफ,
तो वो होता है डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। पहला लॉ में इसने ये बताया था, पहला लॉ में ये बताया गया कि इंड्यूस होगा करंट या फिर ईएमएफ। दूसरा में बताया गया कि कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये मैग्नीट्यूड बताया गया किसने, सेकेंड लॉ में बताया गया। फिर थर्ड में एक बताया गया, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लेंस, इसने बताया, लेंस ने एक लॉ दिया, इसने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसके अभी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। कहने का मतलब, जैसे अगर आपके पास एक कॉइल है और आप इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, और आप इसके सामने एक मैग्नेट को लाते हो, ठीक है, तो आप इधर नॉर्थ पोल ला रहे हो, तो यहां पर नॉर्थ, अगर आप इसका मोशन इस साइड कर रहे हो तो इस साइड नॉर्थ पोल जनरेट होगा। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। आप इसको सामने लाओगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट जो इंड्यूस होगा वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब है इसको जब आप सामने लाओगे तो ये इस साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा, मतलब सोलिनोइड जो है ये एक्ट करेगा एज ए बार मैग्नेट, ये एक्ट करेगा एज ए बार मैग्नेट, ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा, और इसके कारण जो करंट इंड्यूस होगा वो इस साइड नॉर्थ हो, मतलब इस साइड नॉर्थ बन जाएगा, इस साइड साउथ बन जाएगा जब ये सामने आएगा। और नॉर्थ से याद रखना, नॉर्थ मतलब करंट जो फ्लो करने वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो यही लेंज लो था कि जिसके कारण करंट इसमें इंड्यूस होगा वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। गैल्वेनोमीटर इधर इधर मूव करता है जो बताता है। इसमें एक बेसिक न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, जैसे अगर आपका मान लीजिए फ्लक्स दिया गया है 2t² + 4, आपको बोला जा रहा है ईएमएफ निकालिए एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर रेजिस्टेंस भी दिया गया है 10 ओम, तो करंट कितना होगा ये भी पूछा गया है। तो हम जानते हैं फैराडे के लॉ के हिसाब से E इज इक्वल टू डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फाई की जगह में 2t² + 4 लिख देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4t आएगा, टाइम की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू अगर 4t की जगह में अगर हम 1 पुट कर देंगे तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। करंट निकालना चाहते हैं तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ई जो हो जाएगा आपका 1, रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, इतना एम्पियर करंट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अभी हम और बहुत सारे एमसीक्यू जो हमारे JEE में आए हुए वो सब क्वेश्चन अभी हम करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर एक कॉइल दिखाई दे रही है, कंडक्टिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा तो ये मैग्नेटिक, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी इससे पास होगी, और इसमें एक फ्लक्स का चेंज आएगा। इसमें जो फ्लक्स का चेंज आने वाला है, उस फ्लक्स के चेंज के कारण इसमें करेंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। वो इंड्यूस करंट क्यों होगा, क्योंकि ये अपने कॉज, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इधर आ रही है तो एक मैग्नेट आ रही है, तो ये खुद अपने आप को मैग्नेट बनाना चाहेगा, और ये मैग्नेट बनाना इसलिए चाहेगा क्योंकि ये इसको अपोज करना चाहेगा। और ये मैग्नेट किस तरह से बनाएगा, तो अपने आप में करंट को इंड्यूस कराएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन हमको बतानी है। तो देखिए, जब ये सामने आएगा तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी किस साइड है, बाहर की तरफ है, तो फील्ड लाइन इससे फ्लक्स बढ़ने वाला है। तो जब भी फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये इस साइड से है, ये वाला पार्ट आउटर है और ये वाला इनर है, इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ पोल खुद बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ सामने आ रही है उसको अपोज करने के, तभी तो रिपल्सन होगा। जब नॉर्थ आएगी तो ये नॉर्थ बनाएगा, साउथ आती है इधर तो साउथ बनाता, नॉर्थ यहाँ से दूर जाती तो ये साउथ बनाता, समझे, नॉर्थ यहाँ से दूर जाती तो उसको अपोज करने के लिए अट्रैक्ट करता, जब सामने आएगी तो रिपेल करेगा और दूर जाएगी तो अट्रैक्ट करेगा, यही लेंज लॉ है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से है, तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा। नॉर्थ पोल का मतलब आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो इस तरह से कॉइल है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से करंट फ्लो करेगा, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस साइड होगा, है ना।
तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कहने का मतलब अगर कॉइल इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यानी करंट जो फ्लो करने वाला है इस तरह से फ्लो करने वाला है, यानी ये करंट फ्लो करने वाला है क्लॉकवाइज। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेन बात क्या है कि जब फ्लक्स बढ़ेगा तो आपको याद रखना है, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें ये क्या चाहेगा, फ्लक्स बढ़े ना, उसको अपोज करना चाहेगा। तो जिस मैग्नेटिक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, तो ये खुद इसको अपोज करने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में बनाएगा, यानी ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा, ताकि वो उसको क्या कर सके, अपोज कर सके। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, हम इधर से देख रहे हैं ये आउटर पार्ट है, तो नॉर्थ हमारे पास आ रहा है, नॉर्थ हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या चाहेगा, ये खुद ये नॉर्थ यहाँ से दूर जा रहा है, तो ये अपने आप को क्या बनाना चाहेगा, साउथ पोल बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा, साउथ बनाना चाहेगा। साउथ यानी कैसा करंट फ्लो करेगा, क्लॉक वाइज फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉक वाइज। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो क्लॉक वाइज करंट इसमें, क्लॉक वाइज करंट इसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए जेई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस दी गई है, कितनी दी गई है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दी गई है 8 ओम। फ्लक्स की वैल्यू दी गई है इतनी, मतलब फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। तो बोल रहा है हीट निकालिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है हीट कितना जनरेट होगा जब फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो फ्लक्स जब जीरो होगा, इसका मतलब फ्लक्स जीरो होगा, कब होगा जीरो, जब ये टर्म जीरो हो जाएगा। 9 - t² जीरो कब हो सकता है, इसका मतलब 9 - t² जीरो कब होगा, जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अच्छा ईएमएफ निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, फैराडे ने लॉ में क्या बताया था, E = -d5/dt। चलिए पहले ईएमएफ निकाल देते हैं d5/dt से। सो ई जो निकलने वाला है वो -d/dt(φ). फाइ है हमारा 2/3 9 - t². तो अगर हम ईएमएफ निकालते हैं यहाँ पर, तो ये आने वाला है -2/3 - -2t। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ईएमएफ आने वाला है 2/3 × 2 × टाइम हमारा आया है 3। सो ये 3 कैंसिल हो गया, सो ईएमएफ आया 4 वोल्ट। अब हीट जनरेट जूल्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन में है, है ना, ईएमएफ वेरिएशन में है। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ कितना आया, अभी यहाँ पर हम टाइम पुट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 2 * 4/3 t। ठीक है ना, 2 * 4/3 × t करेंगे। ईएमएफ टाइम का वेरिएबल है, इसलिए हम इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे। जूल्स लॉ के अनुसार E²dt/R, ये फॉर्मूला होता है हीट जनरेटेड का। यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ईएमएफ जो है वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है ना, चलिए पुट करते हैं इसको यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम कितनी है 0 से 3। ठीक है, और ईएमएफ कितना है, 4 * 4 = 16 हो जाएगा, 16/3 9 हो जाएगी t²dt। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा, बताइए क्या आएगा, 16/9 बाहर आ चुका है, है ना। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो t के जगह में 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9, दिस विल बिकम 16/9 इंटू टी के जगह में 3 पुट करेंगे, 3 × 3 = 27/3, तो कांस्टेंट है 3, तो ऐसे ही रहेगा, 9 × 3 = 27 16/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो 16/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 16/3 यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मैग्नेट को लाया जा रहा है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो इसमें से कौन सा ग्राफ होगा ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लेंज लॉ के अनुसार क्या होगा, जब नॉर्थ पोल इधर लाएंगे ये ऐसे अंदर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। तो जब ये सामने जाएगा तो करेंट इसमें इंड्यूस होगा, और करेंट जो इसमें इंड्यूस होने वाला है वो अपोज करेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में करेंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और फिर जैसे ये बाहर चला जाएगा ये मैग्नेट, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब सामने जाएगा तो अपोज करेगा और दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, यानी डायरेक्शन क्या होने वाली है, ईएमएफ की चेंज होने वाली है। तो या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये सी डी ऑप्शन होगा, डी क्यों होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, जैसे अगर ये मैग्नेट इसके अंदर जाएगा तो कुछ समय के लिए इस अंदर रीजन में फ्लक्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा,
और फ्लक्स अगर कांस्टेंट होता है तो ईएमएफ क्या होता है? जीरो। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। फिर बढ़ना चालू होगा जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो अलग डायरेक्शन में, यहाँ आएगा तो अलग डायरेक्शन, यहाँ जाएगा तो अलग डायरेक्शन। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकती है, यहाँ टाइम नेगेटिव कैसे होगा? तो इसलिए कुछ टाइम के बाद ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। वो टाइम कौन सी टाइम है? जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, फ्लक्स के चेंज होने से ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होने वाला, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? डी होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी वही पोलैरिटी वाला क्वेश्चन है, ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, तो करंट इसमें हम इधर से देख रहे हैं, करंट इसमें जाएगा तो करंट के चारों तरफ क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होगी तो इसमें फ्लक्स बनेगा, इसमें फ्लक्स का चेंज होगा, और इसमें फ्लक्स का चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होने वाला है? करंट। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो लेंज लॉ के अनुसार से कि डायरेक्शन इसका क्या होगा। मेन बात है फ्लक्स का चेंज होना, और फ्लक्स के चेंज होने से ये क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्लक्स चेंज कैसे करता है? फ्लक्स चेंज करता है या फ्लक्स चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से, या फिर उसके एरिया के रोटेशन से, है ना। तो यहाँ पर करंट चेंज होगा क्योंकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे पढ़ चुके हैं कि करंट से क्या बनती है, करंट के चारों तरफ क्या बनती है? करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसी भी वायर से अगर करंट जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये कॉइल है, कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती थी? हमने पढ़ा था कि अगर करंट जा रही है तो कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो बनती थी म्यू नॉट, मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा था म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये आर इसकी रेडियस होती थी। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इससे पास करेगा और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? फ्लक्स का चेंज होगा। तो इसमें इंड्यूस क्या होगा? फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। ये लाइन आपको याद रखनी कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ क्या होती है? इंड्यूस होती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप कर सकते हो सिंपल तरीके से जैसे मैंने बताया पहले में अप्रोच करना। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसको एक्स वाई प्लेन में रखा गया। ठीक है ना, कंडक्टिंग लूप किस में रखा गया है? एक्स वाई प्लेन में। मतलब एक्स वाई प्लेन, अगर मान लीजिए ये बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इस प्लेन में क्या रखा गया है? एक सर्कुलर लूप को रखा गया है। ठीक है, तो ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। अब क्या होगा? देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो बताइए एरिया वेक्टर किधर होगा? देखिए एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कॉइल को रखा गया है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें कॉइल को रखा गया, तो इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस पे क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। तो एक्स वाई में है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जेड है, के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, के कैप हो गया, ये समझ में आ गया। अब एरिया सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर कर देंगे। रेडियस क्वेश्चन में दिया गया वन, अब देखिए क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया गया? वन। तो एरिया वेक्टर कितना निकल गया बताइए जल्दी से? पाई आर के जगह में वन पुट कर देंगे, आर स्क्वायर के कैप, तो एरिया वेक्टर आ गया हमारा क्या? एरिया वेक्टर आ चुका है पाई के कैप। चलिए एरिया वेक्टर आ चुका है, फ्लक्स निकालना है। ठीक है ना, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर फ्लक्स नहीं बोला है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फ्लक्स जो दिया गया है द वैल्यू ऑफ एन बोला जा रहा है। ठीक है ना, चलिए पहले फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स क्या होने वाला है? ईएमएफ निकालने बोल रहा है। ठीक है ना, तो पहले फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स होने वाला है हमारा बी इंटू बी वैक्टर इंटू एरिया वैक्टर। ठीक है, बहुत आसान है, फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ईएमएफ निकल जाएगा। तो देखिए फ्लक्स क्या निकलेगा? फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, हमको कौन से कैप में लेने हैं? के में लेने हैं, क्योंकि जे डॉट के कैप क्या होता है? जीरो होता है, तो हमें सिर्फ के वाला कंपोनेंट लेने हैं, यानी थ्री टी स्क्वायर लेने हैं के कैप। डॉट में किसको लेंगे? एरिया वेक्टर पाई के कैप, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो ये हमारे आने वाला है फाइव वाई और थ्री टी स्क्वायर पाई आ गया, ये आपको नोट करके रखना है। कितना आया फाइव? फाइव बताइए, थ्री टी स्क्वायर के कैप, याद रखिएगा थ्री टी स्क्वायर पाई आया, थ्री टी स्क्वायर पाई आ चुका है। ठीक है फाइव, चलिए ईएमएफ निकालते हैं, थ्री टी स्क्वायर पाई आ चुका था फाइव, फाइव कितना आया था हमारा? फाइव आया था थ्री टी स्क्वायर पाई। ठीक है, ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो ईएमएफ क्या होने वाला? ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स पाई, ये हो जाएगा सिक्स, थ्री टू जै सिक्स टी पाई। तो हमें टाइम कितना बोल रहा है? टाइम बोल रहा है टू सेकेंड, तो टाइम की जगह हमें टू कर देंगे तो सिक्स इंटू टू इंटू पाई, तो ईएमएफ जो आया वो कितना आया? ईएमएफ आया है ट्वेल्व पाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ईएमएफ जो है वो पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी। ईएमएफ जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है एन पाई वी,
ठीक है ना, एन बाई वी। तो इससे हम कंपेयर करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी आती है, 12 आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब आपको एक दूसरे से रिलेट करके बनाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी उसी तरह का है, लेंज लो के अनुसार आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप इसको हीट कर रहे हो, तो याद रखना हीट करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। हीट को घटाने से यानी कूल करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है। हीट करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से, याद रखना रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होता है। करंट अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। और फ्लक्स अगर कम होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार ये क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना, बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसको आप हिट कर रहे हो, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होने वाला है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। मेन बात यही है कि हिट करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस का इक्वेशन आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट क्या होती है, कम होती है। इसी तरह से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स करंट निकालने बोला जा रहा है, तो इसको भी सिंपल तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, किस तरह से बना सकते हैं बताइए। क्या बोला जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट बोल रहा है। तो करंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस करना है। ईएमएफ निकालने के लिए डी फाई बाई क्या कर देंगे, डी टी कर देंगे। तो ईएमएफ कितना आ गया बताइए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 16t माइनस 9। किस टाइम पे निकालने बोल रहा है, 0.25 यानी 1/4 हो गया। तो टाइम की जगह 1/4 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 माइनस 9, 4 जा 16। ये आगे में ईएमएफ क्या होता था, माइनस साइन लगता था, फैराडे ने लॉ में माइनस बताया था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा। तो 4 - 9 ईएमएफ आने वाला है, 4 - 9 आएगा -5, और आगे पहले से माइनस है तो ईएमएफ कितना आ गया, +5 आ गया वोल्ट। ठीक है ना, ईएमएफ +5 वोल्ट आ गया। तो करंट कितना आएगा, 5/ हमारा 20 दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस, क्योंकि आई की जो वैल्यू होती है वो ईएमएफ बाई क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 mA। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लेंज लो इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, एनर्जी। लेंज लो किस पे बेस होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। अगर आप मैग्नेट को ला करके कॉइल के सामने रख देंगे तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होता। करंट इंड्यूस तभी होता है जब व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन। तो मैकेनिकल एनर्जी है, और इसमें एनर्जी बनती है, हीट बनती है, लाइट बनती है। वो जो ईएमएफ बन रही है वो क्या है, एक तरह का एनर्जी ही तो बन रही है। बैटरी क्या करता है, बैटरी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज लो किसका कंसीक्वेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होने वाला है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ का। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक इस तरह से यू रेल है, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो बताइए इसमें करंट का इंडक्शन किस डायरेक्शन में होगा। बहुत सिंपल तरीका है, आप जब इसको बाहर निकालोगे, इसको जब ये रोड को आप बाहर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। देखिए बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एरिया बढ़ेगा। फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, वाई, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी एरिया इतना ही रीजन है, लेकिन जब आप इसको आगे की तरफ खींचोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, अपने में करंट इंड्यूस कराएगा। फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस कराएगा, ताकि वो फ्लक्स बढ़े ना। उसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड, ये खुद करंट कैरिंग, इसमें करंट जो इंड्यूस होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होने वाला है अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाला है। इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सा, अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, यानी करंट जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो इसका जो आंसर आएगा, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है, करंट फ्लो करने वाला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखना करंट इसमें फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी बोला जा रहा है, देखिए कि एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, ऐसे वायर है तो थंब को ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर एक कंडक्टिंग कॉइल रखा गया है। तो पहले करंट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, करंट इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो करंट इसमें से जा रही है,
ठीक है ना। तो देखो इसमें हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसे करके थंब को बाहर की तरफ देखो, तो इसमें करंट इंड्यूस होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। याद रखना एंटी क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन होने वाली है, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, मतलब अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये मेन बात है, जिससे पैदा हो रहा है उसी को क्या करना है, अपोज करना है। जैसे करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अंदर की तरफ है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। आप जानते हो करंट से क्या बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ये उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या इंड्यूस कराएगा, ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अभी अंदर की तरफ जा रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज में करेंट फ्लो करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि इंडक्टर लगा गया है और इस तरह का सर्किट है, जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो करंट इसमें बोला जा रहा है, स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें कितना इन फॉर ए गिवन बैटरी करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी इतना जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग द, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक इंडक्टर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि जस्ट वाला, जस्ट लाइन जहां पर है, जस्ट का मतलब होता है टाइम क्या लेना है, जीरो, और टाइम जब जीरो होता है तो इंडक्टर एक्ट करता है एज ए ओपन सर्किट। इंडक्टर किसकी तरह एक्ट करता है, ओपन सर्किट की तरह ओपन यूज करता है, मतलब ये सर्किट है ही नहीं, इसको आप नेगलेक्ट कर दो। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बताइए, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 और 2 6 ओम, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, तो करंट कितना होगा, वी टोटल बाई आर टोटल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो करंट आने वाला है हमारे पास 1 एम्पियर। मेन बात यही है कि अगर सर्किट में इंडक्टर दिया गया है और बोला जा रहा है कि जैसे ही सर्किट को हम क्लोज कर रहे हैं, जस्ट क्लोज जब करेंगे तो याद रखना उस समय इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब करंट उससे फ्लो ही नहीं करेगा, और करंट इससे फ्लो ही नहीं करेगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन। तो अभी इस सर्किट में कितनी करंट बने, तो ये सर्किट क्लोज है, ये सर्किट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो करंट सिर्फ इसमें फ्लो करेगी। तो करंट कितना फ्लो करेगी, टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल वोल्टेज, वोल्टेज बाय ओम्स लॉ के अनुसार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम करेंगे। थैंक यू सो मच।